एशिया अब एक नई बड़ी जंग का गवाह बनने जा रहा है। ये जंग पहली बार पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच छिड़ने जा रही है। पाकिस्तान में तहरीके तालिबान ने लगातार आतंकी हमलों के बाद अब पाकिस्तान ने सर्जिकल स्ट्राइक का मन बनाया है। पाकिस्तान अब सीधे अफगानिस्तान में घुसकर तहरीके तालिबान के ठिकानों पर हमला करेगा। जाहिर तौर पर अफगानिस्तान के भीतर पाकिस्तानी सेना की किसी भी तरह की कार्रवाई एक नई जंग को अंजाम देगी। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने चेतावनी दी है कि पाक सेना ने हाल ही में आतंकवाद विरोधी बयान शुरू किया है, जिसके तहत अब पाक सेना अफगानिस्तान में मौजूद प्रतिबंधित संगठन तहरीके तालिबान के ठिकानों को निशाना बना सकती है। पाक रक्षा मंत्री ने कहा कि अब पाकिस्तानी सेना प्रतिबंधित संगठन से किसी भी तरह की बातचीत नहीं करेगी, बल्कि सीधे हमला करेगी। पाक सरकार ने पिछले सप्ताह ही ऑपरेशन अजमे इश्तेहकाम शुरू किया है। पाकिस्तान पर मंडराते TTP यानी तहरीके तालिबान पाकिस्तान के बढ़ते खतरे से निपटने के लिए पाक सरकार ने यह ऑपरेशन शुरू किया है। पाकिस्तान का आरोप है कि अफगानिस्तान TTP आतंकियों के लिए पनाहगाह का काम करता आ रहा है। ऐसे में अब समय आ गया है कि अफगानिस्तान के भीतर घुसकर TTP आतंकियों के ठिकानों का सफाया किया जाए। इतना ही नहीं, ख्वाजा आसिफ ने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पूर्ववर्ती सरकार को तालिबान आतंकवादियों को देश में पुनर्वास करने के लिए जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने आरोप लगाया कि इमरान खान की सरकार ने 5000 तहरीके तालिबान के आतंकियों को पाकिस्तान में मुख्य धारा में जोड़ने की कोशिश की, लेकिन वो कामयाब नहीं रहे। साथ ही ख्वाजा आसिफ ने पाकिस्तान के कई नेताओं के TTP के साथ बातचीत की संभावना को भी खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि TTP के साथ बातचीत का कोई आधार नहीं है। पाकिस्तानी रक्षा मंत्री के इस ऐलान से तालिबानी सरकार के साथ तनाव बढ़ सकता है। इससे पहले जब भी पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की जमीन पर हमले किए हैं, तालिबान सरकार ने पलटवार किया है।